एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे रहोगे। बटे थे बटे थे, गुलाम इसलिए हुए थे क्योंकि जाति के नाम पर बटे थे, क्षेत्र के नाम पर बटे थे, भाषा के नाम पर बटे थे, तमाम वादों के आधार पर बटे थे। एक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और जब बटे थे तो कटे थे। आज बटना नहीं है, एकजुट होकर के कार्य करना है, और एकजुट होकर के कार्य करके भारतीय जनता पार्टी के महायुति गठबंधन को फिर से महाराष्ट्र की सत्ता सौंप करके महाराष्ट्र के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत चल रहा है। आपने 3 दिन पहले सुना होगा, चीन की सेना पीछे हट रही है और भारत की सेना वहां मार्च कर रही है, फ्लैग मार्च कर रही है, गश्त कर रही है। यह है नया भारत, अपने देश की सुरक्षा भी करना जानता है, अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान भी करना जानता है, अपने विरासत का सम्मान करना भी जानता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, यह भी बनाना जानता है। और गरीबों को, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देना भी जानता है। यह है मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत। यह नया भारत इसलिए है क्योंकि 140 करोड़ लोग मोदी जी पर विश्वास करते हैं। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।